हेलो फ्रेंड्स, जीएस रोशन में आपका स्वागत है। दोस्त, अभी आजकल मैं एनटीपीसी की अब ज्वाइनिंग डीवी सब कुछ चल रहा है। लेवल 6 का ज्वाइनिंग चल रहा है, लेवल 5 वालों के लिए डीवी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में मार्च तक जितने भी लेवल है एनटीपीसी में सभी क्लियर कर लिए जाएंगे, जो कि रेलवे का टेंटेटिव नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग। फिर बात होगी ग्रुप डी की। ग्रुप डी में भी सभी लोगों का मतलब मार्च अप्रैल तक सब क्लियर हो जाएगा, जो 1 लाख वैकेंसी चल रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो EWS अप्लाई किए हुए हैं फॉर्म भरने के टाइम में, तो अब उनको EWS सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है और EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, चाहे उनको DV में देना पड़े, ज्वाइनिंग में देना पड़े। तो बहुत छात्र देखने में आया है कि बहुत लोग कुछ कुछ गलती कर रहे हैं, तो EWS बनवाने में क्या क्या गलती हो रही है उस पर भी ध्यान देंगे। और आप लोग आज का थंबनेल देख सकते हैं, भूल कर भी ये गलती मत करना, नहीं तो हो जाओगे बाहर। क्यों क्यों ये है, तो इस पर ही बात करते हैं। EWS संबंधित सभी डाउट को आज क्लियर करेंगे और इसी पर आज बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप रेलवे के NTPC फॉर्म भरे या ग्रुप डी का फॉर्म भरे, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS से अगर अप्लाई करते हैं या किए हुए हैं, तो अभी DV के टाइम आपको हर हाल में फॉर्मेट में बनवा के आपको EWS देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का ऑनलाइन वाला नहीं, SDO लेवल का ऑनलाइन वाला नहीं, आपको ऑफलाइन देना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलवे फॉर्म भरवाई उसी टाइम नोटिफिकेशन में ही। वहाँ देखिएगा तो नोटिफिकेशन में क्लियर है कि आपको Annexure 3 में लेके आना है, जो कि आपका फॉर्मेट है EWS का। तो जो भी लोग अभी DV करवाने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग करना है, ग्रुप डी वाले हो, उनको ये बनवाना ही पड़ेगा। पहला बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फॉर्मेट में ही बनवाना है। अगर फॉर्मेट में नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो आपका लक है। अगर उस दिन आपके अधिकारी जो आपका DV करेंगे वो अगर अच्छे हुए, आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है आपका ऑनलाइन वाला पर काम चल जाए। लेकिन अगर आप फॉर्मेट में रखिएगा बना के, कोई दिक्कत नहीं होगा, मांगा जाएगा, आप दिखाइएगा, टेंशन फ्री। तो सबसे पहला काम जो आप लोग का होना चाहिए, फॉर्मेट में आप लोग जरूर बनवाए। अब बात करते हैं क्या क्या गलती होता है इसमें, उस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो बार बार गलती होती है वो EWS बनाने को लेकर। अगर आप फॉर्मेट में ही बनवाते हैं तो आप कुछ गलतियां हैं जिससे कि आपको बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो आजकल छात्रों में हो रही है, सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, ये EWS बना हुआ है 25 नवंबर 2022 का। इसमें आप दो चीज पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत स्टूडेंट को गलती हो रहा है। इसमें देखिए वैलिड फॉर द ईयर, ऊपर में देखिए 2022 और 23 है, मतलब यह 2022-23 के लिए वैलिड है। यहाँ नीचे देखिए आपका जो बनता है इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर बनता है, तो 2022-23 के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका 2021-22 का होना चाहिए, तभी आपका ये वैलिड होगा 22-23 में। अगर आप 20-21 का इनकम दिखाएंगे तो 21-22 का बनेगा, और 22-23 का इनकम दिखाएंगे तो आपका ये EWS 23-24 का होना चाहिए। क्योंकि जो छात्र DV करवा चुके हैं उन्हीं सबसे पता चला है कि ये गलती हो रही है। तो आप लोग जो भी छात्र हैं, अब आपको दूसरा भी दिखाते हैं जो क्या गलती होता है ऐसा कि नहीं होता है, सेम देख लीजिए 22-23 के लिए है, तो 22-23 का इसमें बना हुआ है जो कि गलत है। और ये देख लीजिए कि ये EWS ये भी 22-23 का बना हुआ है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल ईयर जो है 2021-22 दिखाया गया है, तो ये 100% सही है। तो जो भी छात्र अभी DV करवाएंगे या ज्वाइनिंग करेंगे, तो वो EWS चाहे वो ग्रुप डी वाले हो या कोई भी सेंट्रल का कोई भी जॉब के लिए है, तो वो फॉर्मेट में बनवाएंगे। तो ये गलती से आप लोग जरूर बचिएगा, क्योंकि बहुत जगह ऑफिस में बाबू को ये पता नहीं होता है, वो आपको गलत करके भी दे देंगे, तो उससे उनको क्या मतलब है, आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग जब भी EWS फॉर्मेट में बनवाइए, और फॉर्मेट में जब भी बनवाइए तो आप लोग फाइनेंशियल ईयर पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1 साल बैक होना चाहिए। अभी हम हाल में अपने एक मित्र की गलती हम आपको दिखाए हैं, तो अगर उनसे ये गलती हुई है तो आप लोग आगे ये गलती ना करें। आप लोग जब भी EWS बनवाए तो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी आपका ये सही होगा, नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियों के कारण आप बाहर हो सकते हैं। तो जितने भी साथी अभी NTPC या SSC कोई किसी भी पोस्ट में EWS से अगर सेलेक्ट हुए होंगे, तो EWS आप लोग बनवाइएगा, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।